नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही दुखद खबर लेकर आए हैं। बुधवार को हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत उस वक्त हो गया जब लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के निधन की खबर आई। हर कोई गमगीन उनके आखिरी दर्शनों को आतुर दिखा और उनके आवास पर पहुंचा। शाम में दिलीप कुमार को सुपुर्द खाक किया गया। उनके आवास से उनकी अंतिम यात्रा शांता क्रूज कब्रिस्तान पहुंची, जहां उनका पार्थिव शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ नजर आया। राजकीय सम्मान के साथ दिलीप कुमार को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान तस्वीरों में आप भीड़ भी देख सकते हैं। ये लोगों का दिलीप कुमार के प्रति प्यार ही है कि हर कोई केवल उनके आखिरी दर्शनों के लिए सड़क पर उतरा हुआ था। अपनी पूरी जिंदगी अपने शौहर दिलीप कुमार पर न्योछावर करने वाली शायरा बानो अंतिम यात्रा में हर पल दिलीप कुमार के साथ ही नजर आई। परिवार के सदस्य इस दौरान पल पल उनके साथ दिखे। दिलीप कुमार की मौत से उन्हें गहरा झटका लगा है, वह पूरी तरह टूट चुकी हैं। वह अंतिम यात्रा दूसरों का सहारा लेकर चलती हुई दिखाई दी थी। फिल्म मेकर सुभाष घाई भी इस दौरान अपनी पत्नी के साथ शांता क्रूज कब्रिस्तान पहुंचे थे। वहीं कुछ सेलेब्स दिलीप कुमार के घर पर भी स्पॉट किए गए थे। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी शांता क्रूज कब्रिस्तान पहुंचे। इस दौरान अमिताभ बच्चन काफी दुखी नजर आए। उन्होंने दिलीप कुमार के निधन की खबर मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुखी भी जताया। शाहरुख खान को भी जैसे ही ये खबर मिली तो वो तुरंत ही दिलीप कुमार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शायरा बानो को हिम्मत दी, उन्होंने उन्हें सहारा दिया। इस तरह कई सेलेब उनके घर पहुंचे और शायरा बानो को हिम्मत दी। जुड़े रहें क्रैक न्यूज़।